तो आइए दोस्तों, आज 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, छात्र 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं पूरक और अवसर परीक्षा के लिए आवेदन, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन, कोई भी नहीं छूटेगा। कोरोना वायरस दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा बदले हालातों के बावजूद विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह लॉकडाउन लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से पटरी पर आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर अब भी वह 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर दृढ़ आशान्वित हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, अमेरिका में भी मनाया जाएगा राज्य की स्थापना का जश्न, चल रही ऐसी तैयारी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 20वीं वर्षगांठ है। हर साल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस वर्ष राज्य के साथ साथ सात समंदर पार अमेरिका में भी राज्य स्थापना दिवस का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के संगठन नाचा उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन द्वारा इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से राज्य में भी कार्यक्रमों को सीमित किया गया है। नाचा द्वारा इस दिन वर्चुअल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ अब शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सूरजपुर संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बैनर्जी से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोक हेतु जिले में वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन सामान्यतः नहीं किए जाने की सलाह दी गई है। यदि अपरिहार्य कारणों से वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल फिजिकल डिस्टेंस, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश तथा सैनिटाइजर सहित सावधानियों बरतते हुए आयोजन किए जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें केवल 100 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने अनुमति होगी एवं आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन जिस स्थल पर किया जा रहा है वह की क्षमता अनुरूप केवल 50% ही व्यक्तियों की उपस्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, छात्र 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं पूरक और अवसर परीक्षा के लिए आवेदन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यवसायिक पूरक और अवसर परीक्षा 2020 के आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रविष्ट करने की तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस संबंध में सभी प्राचार्यों संस्थाओं को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि में पूरक और अवसर परीक्षा के आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रविष्टि करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस वर्ष हाई स्कूल पूरक अवसर परीक्षा नियमित विद्यार्थी जिस संस्था में नियमित अध्ययनरत उसी संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, तथा स्वाध्याय छात्रों के लिए जिस संस्था पत्र जमा किया था उसी संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अन्य जानकारी के लिए परीक्षा केंद्र शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी की परीक्षा नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर तक सुबह 8:30 से 11:30 तक सम्पन्न होगी। उसी तरह हाई स्कूल की परीक्षा 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक होगी। परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें लिस्ट। नवंबर 2020 में 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। करवा चौथ, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, भैयादूज, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा समेत ढेर सारे त्योहार नवंबर में पड़ रहे हैं। अक्टूबर की तरह ही नवंबर भी छुट्टियों की भरमार लेकर आ रहा है। नवंबर में बैंक हॉलीडे की बात करें तो रविवार, सेकंड सैटरडे के साथ गैजेटेड और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर कम से कम 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। पटना में छठ पूजा के उपलक्ष्य में बैंक 20 और 21 को बंद रहेंगे। अगर इस माह आपको बैंक से जुड़े कामकाज आज निपटाने हैं तो छुट्टियों की लिस्ट पहले ही देख लें, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। बता दें, नवंबर की शुरुआत रविवार साप्ताहिक अवकाश से हो रही है और खत्म भी छुट्टी के साथ ही हो रहा है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी पकवानों का अनूठा स्वाद गढ़कलेवा में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन विक्रय केंद्र गढ़कलेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन विक्रय केंद्र संचालित है। यह रायपुर शहर के अन्य खान पान केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करते हुए गुणवत्ता और मानकों पर खरा उतरा है, जिससे पारंपरिक और स्वास्थ्यकर स्वादिष्ट खान पान को बल मिला है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़कलेवा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में खान पान की विशिष्ट परंपराएं हैं, जो हर प्रहर, बेला, मौसम और तीज त्योहारों के अवसर पर पकाए, खाए और खिलाए जाते हैं। वनवासी जनजातीय समाज का कलेवा मुख्यतः प्राकृतिक वनोपज पर आधारित है। साथ ही आगे खबर है, बिलासपुर हाई कोर्ट, ऋचा जोगी की याचिका पर अब 23 नवंबर को नियमित कोर्ट में होगी सुनवाई। जाति विवाद में दायर की है याचिका। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की याचिका पर 23 नवंबर को नियमित सुनवाई होगी। जाति विवाद में बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने केस को आगे बढ़ा दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम चौरड़िया की बेंच में हुई। ऋचा ऐश्वर्य जोगी ने अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की ओर से जारी नोटिस और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। मुंगेली की जिला स्तरीय जाँच समिति ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया है।